हर प्रदेश को, देश के हर प्रदेश को विकास से जोड़ने के लिए काम किया और हमारे भारत को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया। तो आज हमारी जनता को, हमारी आवाम को, हमारी भारतीय जनता पार्टी पे पूरी तरीके से भरोसा है और इन पांचों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। जनता का साथ, जनता का विश्वास किसके साथ है, मेन फैक्टर ये है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की साफ नीयत, सही दिशा में विकास की जो नीयत है, उससे आम जनता को हमारे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है। जिस तरीके से हमारी मोदी सरकार ने पूरी ईमानदारी से जन जन की सेवा के, विकास के लिए काम किया, चाहे नौजवान हो, किसान हो, पिछड़ा समाज हो, हमारा दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सबके विकास को सुनिश्चित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, तो इससे एक सकारात्मक माहौल हमारे पक्ष में आज है। और उसी सकारात्मक माहौल के को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के जो डेवलपमेंट की सोच है उसके ऊपर प्रहार करने का की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मोदी जी देश को विकास की तरफ आगे ले जाए। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि देश के नौजवान रोजगार से जुड़े। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि देश का किसान ये समृद्ध हो, खुशहाल हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा साजिश के तहत हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के नौजवानों के साथ धोखा किया है, उनको गुमराह किया है और हमेशा देश को विकास से पीछे ढकेलने का काम किया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और जनता को हम पे पूरा भरोसा है। बिहार सरकार पूरी तरीके से बिहार की सेवा करने में फेल साबित हुई। जिस तरीके से बिहार की जनता ने उम्मीद की थी वहाँ के मुख्यमंत्री से कि वो बिहार के विकास के लिए कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो टोटल जो है, वो जो अपेक्षाएं थी जनता की, उस जनता की अपेक्षाओं पे वो खरे नहीं उतरे हैं। और मुझे लगता है कि जनता के अपेक्षाओं पे जो खरा नहीं उतरा, जनता भी उसे आने वाले दिनों में स्वीकार नहीं करेगी।